वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन एसकेएस इंग्लिश क्लास. डियर स्टूडेंट, जस्ट वी आर लर्निंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आई मीन टू से डेट नरेशन. डियर, नरेशन में हमने सारे टेंसेस से लगाकर इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी और WH वर्ड सारे प्रकार के हमने अच्छी तरह से लर्न कर लिए हैं. डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट WH वर्ड के अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा. डियर, अब एक इसमें रह गया, वो है विल और सेल वाला, वो WH वर्ड में हमने नहीं देखा. आइए आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि WH वर्ड में अगर कोई फ्यूचर की बात करें तो हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे. स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने होम असेसमेंट को अच्छी तरह से नोटबुक में संजोए हुए रखना, क्योंकि अब बस वो घड़ियां नज़दीक आने वाली हैं जब अपनी वापस स्कूल लगने वाली हैं. मैं आते ही आपका काम चेक करूंगा, क्योंकि हमने जो इन 2 महीनों में आपको जितनी मेहनत करवाई है उसका फल मिलना चाहिए. मैंने सारी ग्रामर, लगभग सारी टेंसेज, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, और फिर हमने नरेशन को कवर कर लिया है. एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर तो आपके टेस्ट की बौसार हो जाएगी, फिर आप पीछे रह गए तो फिर आप पिछड़ जाओगे. डियर स्टूडेंट, आपको अगर कुछ भी जितने टॉपिक करवाए हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे अब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, आइए अब हम बात करें आज के टॉपिक WH वर्ड में विल सेल से संबंधित. हम लोग बात कर रहे हैं नरेशन. नरेशन यानी कथन. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ग्रामर स्पीच, ऐसे स्पीच का मतलब तो भाषण होता है, लेकिन ग्रामर में कोई स्पीच पूछे तो वो है डियर स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट. हम लोग WH वर्ड, WH वर्ड्स में आज जो हम लेंगे वो हैं विल ऑब्लिक सेल. डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विल और सेल जो हैं वो फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस को इंडिकेट करते हैं. कोई भी चीज़ जब हम भविष्य में किसी की पूछें तो विल और सेल का यूज होता है. मैंने आपको बताया था कि आई वी दिखे तो आप सेल लगा दीजिए, बाकी सभी के साथ विल लगा दीजिए. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती है, आज जो रूल्स है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि आप किसी के साथ विल लगा दीजिए, आपका सही है. सेल अब धीरे धीरे गौण अवस्था में जा रहा है. तो विशेष ध्यान देना, विल और सेल फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस को इंडिकेट करते हैं. विल यू गो, क्या तुम जाओगे? विल यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाओगे? वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे? तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उसमें तो आप विल और सेल को डायरेक्ट आगे लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन WH वर्ड में आपका पूरा उत्तर उसमें चाहिए. जैसे वेयर विल यू गो टुमोरो, तुम कल कहाँ जाओगे? तुम कल कहाँ जाओगे? तो आई विल गो टू जालोर फॉर टुमोरो, मैं कल जालोर के किले पे जाऊंगा. तो डियर स्टूडेंट, WH वर्ड लगाने से आपका जो क्वेश्चन है वो एक फुल ऑफ आंसर की रिक्वायरमेंट करता है. आज हमने ये तो सीख लिए हैं ऑक्सिलरी वाले, तो विल सेल आगे लगाने से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे होता है, ये हमने अच्छी तरह से लर्न कर लिया. डियर स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे वो है विल सेल WH वर्ड के साथ लगाएंगे तो अपना डायरेक्ट किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलेगा.
लुक एट बोर्ड। सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि विल और सेल, मैंने आपको ऑक्सुलरी में बताया था, ये दोनों बन जाएंगे वुड और सुड। विशेष ध्यान देना, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, वुड और सुड में चेंज हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम डब्ल्यू एच वर्ड से एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। रीना, रीना सेड टू मी, रीना, रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा, रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा, क्या कहा, वायर विल्यू, वायर विल्यू गो टुमोरो, वायर विल्यू गो टुमोरो। Dear student, look this sentence very carefully. I have given you in direct condition this example. Reena said to me, Reena ne mujhse kaha, where will you go tomorrow? Tum kal kahan jaoge? Tum kal kahan jaoge? Dear student, hum log yahan dekh rahe hain ki WH word wala hai, विल सेल से आया है, इसका मतलब फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस है। और अगर हम सारणी अकॉर्डिंग टू बार बात करें डियर स्टूडेंट, तो हमें तो सर ने इतना ही बताया है, आप कहोगे कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया था आपको कि विल सेल जहाँ दिखे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वुड और शुड में बदल देना। तो बस ये वही कंडीशन है, विल और सेल नॉट ओनली यूज इन द फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस बट ऑल्सो दे हैव स्टेटस ऑफ मॉडल्स टू। डियर स्टूडेंट, ये मॉडल्स भी हैं, इसलिए इनका एक अलग रूप है। विल और सेल जहां दिखेंगे तो वो वुड और शुड में बदल जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनेगा रीना सेड टू, सेड टू जब क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव सेंटेंसेज इज सिंपल सेंटेंसेज में तो ये टोल्ड बदल जाता है, लेकिन जहां पर अंदर चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन हो, चाहे डब्ल्यू एच जो वर्ड वाला क्वेश्चन हो, डियर स्टूडेंट सेड टू आस्कट में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सेड टू बदल जाएगा आस्कट में, और फिर मी इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी, और उसके बदले में मैंने आपको कहा था कि जहां ऑक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट हो, डियर स्टूडेंट जहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो आपको इफ या वेदर लगाना है, लेकिन जहां पर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो डब्ल्यू एच वर्ड को यूं का यूं लेना है। तो यहां देख लीजिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड है डियर स्टूडेंट, आपको यू का यू लेना है, यानी वेयर का वेयर लेंगे आप। फिर डियर स्टूडेंट, आप विल को लात मार दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप आगे वाले की चोटी पकड़ लीजिए, उसकी उसका फेस देखिए, ये कौन है, किस परिवार से आया है, और सन सूत्र के अनुसार हमें कहाँ पर लेके जाना है, सोचिए। यू, ये कौन से पर्सन में आता है, सेकंड, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कहाँ जाएंगे,
मी के पास। मी से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, मी से आई बनेगा। आई क्यों बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, विशेष ध्यान रखते जाइए वरना आप गलत करते जाओगे, कहीं पे पजेसिव कर दोगे, कहीं पे ऑब्जेक्टिव कर दोगे। जो कंडीशन है उसी कंडीशन में आगे इसका रूप बदलेगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव है तो हमें भी आगे वाले का सब्जेक्टिव रूप ही लेना है, तब हम सही करेंगे, वरना अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई। डियर स्टूडेंट अब विशेष ध्यान देना, यू के हिसाब से विल आया है, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में भी ये कहा था, अब डब्ल्यू एच वर्ड वाले में भी यही कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे आएगा उसके हिसाब से वुड शुड आएगा। अब यहाँ पर आई है, यहाँ पर यू के हिसाब से विल था, तो हम आई के हिसाब से सेल लेंगे, तो सेल किस में बदलेगा, शुड में, तो बनेगा एस एच ओ यू एल डी, आई शुड। फिर पीछे वाला जो सेंटेंस है वो डियर स्टूडेंट यू का यू लिखना है, लेकिन बदलने वाली चीजें बदलेगी, टू मोरो किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे में, किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे, तो बनेगा द नेक्स्ट डे। डियर स्टूडेंट इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेंटेंस इन इजीली वे, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर फॉर माय टीचिंग। If you have any problem, then you can ask me the personal questions. Look it once again, just I'm explaining you again. Reena asked to me, where will you go tomorrow? Reena ne mujhse kaha, where will you go tomorrow? Tum kal kahan jaoge? To विशेष ध्यान देना, सेट टू क्वेश्चंस कंडीशन में है तो आस्कट में बदल गया। रीना आस्कट मी, डब्ल्यू एच वर्ड यू का यू आ गया, वेयर, फिर विल को लात मार के भगा दीजिए, ऑक्सिलरी की इसमें जरूरत नहीं है, फिर यू की चोटी पकड़ लीजिए, सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट बन गया आई, और यू के आगे विल आया था, तो डियर स्टूडेंट आई के साथ सेल आता है और सेल का बन जाएगा शुड, फिर गो और फिर टुमोरो, टुमोरो किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में। ध्यान रखना, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, और टुमोरो द नेक्स्ट डे। टुमोरो हमें फ्यूचर बताता है और यस्टरडे हमें पास्ट बताता है। डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कल मैंने आपको होम असेसमेंट नहीं दिया था, आइए अब मैं आपको साथ में होम असेसमेंट देता हूँ, कल का टॉपिक आज का टॉपिक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट वाला और ये विल सेल वाला। प्लीज़ टेक योर होम असेसमेंट, फिर आप मुझे, आज मैं जो आपको 10 सवाल दे रहा हूँ, 10 सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, 10 सेंटेंस, वो 10 सेंटेंसीज आप मुझे होम असेसमेंट में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, मैं देखूंगा आपका काम, जहां पर आप गलती करोगे मैं उसे सुधार के वापस आपको सेंड करूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से लर्न कर सको। प्लीज़ टेक योर होम असेसमेंट, दोनों मिक्स में दे रहा हूं, ध्यान रखना कल वाला भी। रमेश सेड टू मी व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन विथ मी। रमेश ने मुझसे कहा, व्हाट हैव यू ईटन विथ मी, तुम मेरे साथ क्या खा चुके हो। डियर स्टूडेंट मेरे प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक हुआ था, उसका भी ले लीजिए होम असेसमेंट, मैंने नहीं दिया था। आज मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, जो आप मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर शीट सेंड कर देना।
अब सेंटेंस नंबर टू, राकेश सेड टू हर, what will you find here tomorrow? सेंटेंस नंबर थ्री, नीता सेड टू मी, what has he sent you? Sentence number four. Sentence is, Rahul said to me, What will you say me? Tomorrow, what will you say me tomorrow? Sentence number five. Vijay said to me. What have you taught me? Sentence number six. Sentence number six. Neha said to me. Why have you beaten my brother? Sentence number seven. Pankaj said to him. Pankaj said to him. Why will you give me this book tomorrow? Sentence number eight. Nilesh said to him, Why shall I call you? Sentence number nine. Raju said to her,
वाई, वाई हैज, वाई हैज, वाई हैज नीरू आस्कट मी क्वेश्चन, आस्कट मी क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस 10। रोहन, रोहन सेड टू हिम, व्हाई विल यू टेक माय, टेक माय मोबाइल, व्हाई विल यू टेक माय मोबाइल। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे आई हैव गिवन यू 10 सेंटेंसेज इन बोथ कंडीशन, हैज हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म WH पैटर्न एंड विल सेल फर्स्ट फॉर्म WH पैटर्न। डियर स्टूडेंट, प्लीज डू द होल डायरेक्ट कन्वर्ट इन डायरेक्ट एंड सेंड मी योर आंसर सेट, आई विल चेक योर होम असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, आई होप डेट यू आर लर्निंग बेटर फ्रॉम माई एवरी वीडियो एंड माई टीचिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम क्वेश्चंस बाय माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक।